नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं संवाद। और संवाद में आज हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फगन सिंह कुलस्ते जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था, 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं 16वीं और 17वीं लोकसभा के आप सदस्य। एक लंबी यात्रा हो गई है एक सांसद के तौर पर, किस तौर से देखते हैं अपनी इस यात्रा को, अपने राजनीतिक जीवन को? देखिए, मैं जब राजनीतिक यात्रा सामाजिक क्षेत्र में काम करना प्रारंभ किया जी, तो सबसे पहले तो मैं विशुद्ध सोशल वर्कर के तौर पर मैंने अपना काम प्रारंभ किया। स्टूडेंट लाइफ से अपनी राजनीतिक करियर कॉलेज लाइफ से शुरू किया और एक के विद्यालय मैंने उस समय 81 में हमने प्रारंभ किया एक विद्यालय। हाँ, और उस समय उस इलाके में एक ट्राइबल क्षेत्र था नारायणगंज मंडला जिले में, कोई विद्यालय नहीं थे, लोगों की बहुत मांग थी। फिर हमारे एक इंचार्ज मिनिस्टर थे जिसके साथ में मैं काम करता था एज ए सोशल वर्कर, परिषद के मैं उस समय प्रदेश के युवा का अध्यक्ष हुआ करता था मैं। हमारे स्वर्गीय डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते जी उस समय कांग्रेस में थे और हमारे परिषद जो मध्य प्रदेश इकाई थे उसके अध्यक्ष थे, तो मैं उस समय यूथ का मैं अध्यक्ष था। और जब मैं कॉलेज में ये अपना राजनीतिक करियर शुरू किया तो लोगों के एक प्रकार के सामाजिक समस्याएं, लोगों के जनहित के जितने विषय आते थे दिमाग में, ऐसा एक प्रकार का जुनून जैसा था, तो वहाँ से हमने शुरू किया। और फिर मैं 84 में विधानसभा का पहला इलेक्शन लड़ा। अच्छा, चूँकि उस समय इंदिरा जी की हत्या होने के कारण वो विधानसभा चुनाव में मैं पराजित हुआ जी। 89 में फिर मैं विधानसभा पार्टी ने टिकट दिया तो मैं 89 में चुनाव जीत गया विधानसभा का मंडला जिले के निवास विधानसभा से। और उस समय फिर विधायक बनने के बाद मैं पार्लियामेंट सेक्रेटरी हो गया 90 में पटवा जी की सरकार थी, और हेल्थ का ही काम देखता था मैं उस समय। तो इस प्रकार से एक राजनीतिक यात्रा धीरे धीरे सामाजिक क्षेत्र में काम करते करते प्रारंभ हुई। फिर मुझे 91 में लोकसभा चुनाव के लिए आदरणीय लखीराम जी ने, उस समय विक्रम वर्मा हमारे अध्यक्ष थे, तो उनने कहा कि फग्गन सिंह लोकसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारे पास कोई आदमी नहीं समझ में आ रहा है मंडला लोकसभा के लिए। तो मैंने उनको मना किया क्योंकि मैं नया नया विधायक बना, पार्लियामेंट सेक्रेटरी था, तो मैंने उस समय मना किया और वो चुनाव भी हम हार गए। 89 में भी हम चुनाव कुछ वोटों से हारे, हमारा जो कैंडिडेट था जी। मैंने बहुत काम किया उस समय 89 में, हमारे अनूप सिंह जी जो पहले कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे 77 में, उनको हमने लड़ाया। फिर 91 में रामभजन पट्टा जो एक्स एमएलए हमारे थे बजाक से, उनको लड़ाया। और ऐसे करते करते ये सारा यात्रा प्रारंभ हुई। और फिर मैं आकर के पहला लोकसभा चुनाव में 96 का जो हुआ उसमें मैं आया, और पहली बार भारतीय जनता पार्टी मंडला की जो संसदीय क्षेत्र है आदिवासी क्षेत्र, उसमें मैं विजय हासिल किया। और वहाँ से इस सीट को हम निरंतर जीतते रहे, बीच बीच में छोटे छोटे कुछ इलेक्शंस हुए बीच में, और जाकर के फिर 99 में मैंने अटल जी की सरकार में ट्राइबल विभाग जो नया मंत्रालय बना, पहले प्रमोद जी के साथ में जब सरकार का गठन हुआ उस समय संसदीय मामलों के राज्य मंत्री बना मैं जी। प्रमोद जी हमारे कैबिनेट मंत्री थे जी। और फिर जब ये नए मंत्रालय, चूँकि मैंने ही उस समय, मेरे पास ये मोर्चे का काम था, और इस काम में जब नेता प्रतिपक्ष अटल जी थे तो मैंने कहा कि देश में आवश्यकता है एक ट्राइबल मंत्रालय की और एक फॉरेस्ट का एक अलग से इनको अधिकार ट्राइबल को मिलना चाहिए। दो विषय मैंने अटल जी से कहा जब नेता प्रतिपक्ष थे कि अगर भविष्य में आपको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो ये काम जरूर आप कीजिए। संयोग से प्रधानमंत्री अटल जी बने और ये काम भी हमारे पास आ गया। तो इस प्रकार की स्थिति, ट्राइबल मिनिस्टर भी आप बने। हाँ,
हाँ, ट्राइबल जब पहली मिनिस्ट्री बनी ट्राइबल विभाग, तो उस समय भी मैं राज्य मंत्री के नाते ज्वेल जी के साथ में काम किया और पूरे देश भर में हमारी यात्रा प्रारंभ हुई और इस प्रकार से काम चलता गया। फिर बीच में जब ये 4 में यूपीए की सरकार बनी 3-4 में, तो उस समय फिर मेरे पास है ट्राइबल का काम फिर आ गया मोर्चे का, और ऐसे लगातार मैं ट्राइबल का काम करते करते मैं यहाँ 9 में जो लोकसभा हुई 2009 की 15वीं लोकसभा, उस 15वीं लोकसभा में परिसीमन के बाद जो पहला इलेक्शन हुआ था, इस परिसीमन के कारण है जो क्षेत्र का विस्तार हुआ और सबसे बड़ी विधानसभा और लोकसभा हुई, और उसमें मैं थोड़ा दिमाग में ये था कि नया क्षेत्र जोड़ा, 3 माइनस होने के बाद 3 उसमें प्लस हुए जी, जो कभी हम जीतते नहीं मध्य प्रदेश की दृष्टि से, सिवनी जिले के एक केवलारी विधानसभा जो हमेशा कांग्रेस के पास हुआ करती थी, दूसरी जो विधानसभा हम कभी 1952 से उसको नहीं जीत पाए थे, लखनादौन एक विधानसभा थी वो इस परिसीमन में हमारे पास आ गया, और तीसरा एक नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव, ये 3 विधानसभाएं जो हमारी घनसौर एक माइनस हुआ, एक मंडला का एक माइनस हुआ, एक डिंडोरी का, तो 3 जिलों का एक एक विधानसभा माइनस होने के बाद वो जो एरिया है वही रहा, बाकी विस्तार हो गया जी। तो इस प्रकार की एक परिस्थिति बनी, परंतु मैं उस समय थोड़ा दिमाग मेरा ये था कि नए क्षेत्र में कंसंट्रेट किया, तो मैं 24,000 वोट से मैं चुनाव उस समय हार गया। इससे फिर पार्टी ने मुझे राज्यसभा में भेज दिया, 12 में मैं राज्यसभा में आ गया, तो इस प्रकार की स्थिति बनी। राज्यसभा में मैं 14 तक रहा और 14 में फिर ये 16वीं लोकसभा में आया मैं, और 16वीं लोकसभा में फिर मोदी जी ने हेल्थ का काम मुझे पास दिया, तो मैं उसमें भी हेल्थ में भी काम किया। मैं ये देख रहा हूँ, हेल्थ की आपने बात कही है, आपकी रुचि के क्षेत्र जब मैं देख रहा हूँ तो उसमें सबसे ऊपर हेल्थ है। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है कार्य करना चाहते हैं, कार्य करते रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को गरीब लोगों तक पहुंचाने का कार्य आपने बहुत किया। देखिए, मैंने उस समय मैंने कहा कि जब मैं 90 में पार्लियामेंट सेक्रेटरी था, तो मैंने पूरे समय जब तक मध्य प्रदेश में पटवाजी की सरकार थी, मैं हेल्थ विभाग का संसदीय सचिव उस समय बना था, उपमंत्री के नाते काम करता था, तो मैंने पूरे टाइम हेल्थ में काम किया और बहुत काम मध्य प्रदेश में किया। तो शायद पिछले अनुभव के आधार पर मुझे ये सब, बाकी ट्राइबल सेक्टर में भी काम किया, तो अभी जब मोदी जी की सरकार बनी 14 में, तो मुझे बीच में हेल्थ का ही काम मिला, और बहुत काम मैंने उस समय प्रधानमंत्री जी से कहा कि देश में ये जो ट्राइबल क्षेत्र हैं, ग्रामीण इलाके हैं, और इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य की दृष्टि से जो मुझे अनुभव आया कि लगभग हम 40% हिस्सा अभी तक कवर कर रहे हैं, 60% हमारा इससे अछूता है जी। तो मुझे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई क्या कर सकते हैं इसके लिए, कुछ सोचिए। तो मैंने फिर नड्डा जी थे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, तो मैंने नड्डा जी को कहा, तो उन्होंने कहा कि इसमें थोड़ा आप कुछ अध्ययन कीजिए और एक रिपोर्ट तैयार कीजिए और क्या कर सकते हैं इन क्षेत्रों के लिए। तो मुझे प्रसन्नता है कि जब हमने उस समय एक तो अपग्रेशन की जो व्यवस्था शुरू हुई जी, कि ग्रामीण इलाके में मैंने सुझाव उस समय दिया कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, एक नॉर्म्स हमने बनाया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहां 300 बेडेड होंगे उनको मेडिकल कॉलेज के रूप में अपग्रेड करना। अच्छा, तो ये एक प्रक्रिया प्रारंभ हुई और आज इसी लाइन पे आगे सरकार बढ़ी, क्योंकि उसका जितना एक्सपेंडिचर, जितना खर्चा होता था जी, उसका खर्चा तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 50% हो गया, 50% मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए, उसके जितना हम कर सकते हैं लगभग 300 करोड़ के आसपास का टोटल खर्चा उसमें जी, आता है जी। तो ये जो पैसा है वो बाकी 50% हमने पहले ही खर्च कर लिया बाकी का, तो इस प्रकार की स्थिति थी। तो आज मुझे प्रसन्नता है कि जब इस योजना को प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ा दिया, दूसरा मैंने लोगों को फैसिलिटी देने के बारे में, शायद आपको ध्यान में होगा कि जितने भी हमारे गरीब लोग हैं, इनको स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से हमारे मेडिकल कॉलेजेस हुए, एम्स हुए,
इसमें जितने गरीब लोग आते थे उनके केसेस को सेंक्शन करना, उसका हमने ग्रांट बढ़वाया। और दूसरा, ये जो आयुष्मान भारत की योजना एक बहुत बड़े स्केल में प्रधानमंत्री जी ने पिछले समय लॉन्च किया, तो ये तीन बहुत अच्छे बेनिफिट इस क्षेत्र में हमने किया। और पूरे देश के जितने मेडिकल कॉलेजेस थे उनको हमने अपग्रेड करने के साथ साथ मेडिकल कॉलेज को सुपर स्पेशलिटी का स्टेटस दिया। ये पहली बार हुआ था। और ऐसे हमने पूरे देश में लगभग 2-3 ऐसे मेडिकल कॉलेजों को चिन्हित किया। फर्स्ट फेज में हमने किनको करना है और सेकंड फेज में ऐसा, ये अब ये जो व्यवस्था है केवल फर्स्ट फेज में हम जितना कर पाए हैं, इसके बाद आगे मामला बढ़ा नहीं। तो अभी आज ज़रूरत है इसकी। मुझे लगता है हेल्थ सेक्टर में फिर सीट जो मेडिकल कॉलेज की MBBS की, वो भी हमने करीब 25,000 सीटें उसमें बढ़ा दिया था। और लगभग 12,000 जो PG की जो सीटें थी, इसके पहले हमारे पास जो थी, तो ये सीटों की ताकि डॉक्टरों की हम भरपाई देश में कर पाएंगे। तो मुझे उस समय दुनिया के सबसे अच्छा जो मेडिकल क्षेत्र में हेल्थ के सेक्टर में क्यूबा मुझे 2 बार जाना हुआ। अच्छा। प्रधानमंत्री जी के आदेश पर कि वहाँ जा कर के जितना अच्छा हम हॉस्पिटल और चिकित्सा सुविधाओं को देख सकते हैं, और विशेषकर उसमें हमारे यहाँ डायबिटीज का कहीं दुनिया में उसका इलाज अभी नहीं है, वो इलाज मैंने वहाँ देखा। और उसका हमने MOU किया फिर भारत के साथ में, हालांकि बहुत छोटा देश है क्यूबा, पर इसको लेकर के ताकि हमारे यहाँ से वहाँ का सीधा आपस के हेल्थ सेक्टर को लेकर के संबंध बने, तो इस प्रकार का काम हमने प्रारंभ किया। इस बार स्टील का काम दिया है, तो इसमें भी हम लोग थोड़ा अभी आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे लगभग हम लोग 6 महीने से इस काम को देख रहे हैं। तो हमारी जो प्रायोरिटी है स्टील सेक्टर में, एक तो क्वालिटी के विषय को लेकर के, दूसरा सेफ्टी है, और तीसरा हमारा उत्पादन प्रोडक्शन बढ़े जी। तो जो हमारा पुराना टारगेट है उसको हम 2030-31 में लगभग 300 मिलियन टन का जो हमारा टारगेट है उसको हम अचीव करना चाहते हैं, और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपके वर्तमान मंत्रालय के बारे में चर्चा करेंगे, और आपने जो एक ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर के तौर पर जो आदिवासी क्षेत्र में आपने जो विकास किया है या फिर जो आदिवासी लोगों की सेवा करने का अवसर आपको प्राप्त हुआ है, उस अवसर का लाभ आपने कैसे उठाया, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम आप देख रहे हैं कि आप एक किसान भी हैं, एक अध्यापक भी हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आपने किस तरीके से शुरुआत की, अपना प्रारंभिक समय कैसे आपने जो है इस क्षेत्र में आपने बिताया, उसके बारे में आपने बताया, और इन बिंदुओं पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद बहुत जल्द वापस लौटते हैं और संवाद में अपनी इस विशेष चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है, और संवाद में आज हमारे साथ मौजूद हैं फगन सिंह कुलस्ते जी, जो कि इस्पात राज्य मंत्री हैं, और हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने अलग अलग मंत्रालयों में जिस तरीके से सेवाएं दी हैं उसका लाभ किस तरीके से देश को और देशवासियों को मिला है। और मैंने जैसा ब्रेक पर जाने से पहले कहा कि आप किसान भी हैं, अध्यापक भी हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर तो आप कार्य कर ही रही हैं। किसान के तौर पर एक किसान जब किसानी करता है, उस क्षेत्र की चुनौतियों को जब देखता है, तो एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, एक मिनिस्टर के तौर पर, मंत्री के तौर पर, उस क्या कहते हैं अनुभवों को किस तरीके से बांटता है या उसका लाभ ले पाता है। देखिए, मैं किसान होने के नाते मैं आज भी स्वयं खेत में जाता हूँ जी। जब भी मैं, जैसे गांव में मेरा प्रवास होता है या घर पे, जैसे अभी इस समय बोनी का अभी सीजन चल रहा है, तो निरंतर मेरी बातचीत होती है, और जब मैं जाता हूँ तो आज भी खेत जाता हूँ। और जब भी इस प्रकार की परिस्थितियों के बारे में मैंने अनुभव किया, विशेषकर खेती के बारे में, तो अलग अलग तरीके का खेती के बारे में मैंने डिंडोरी है, मंडला है, या दूसरे जो अन्य क्षेत्र हैं, क्योंकि मेरे यहाँ 4 जिले आते हैं इस समय जी। तो आपको ध्यान में होगा नरसिंहपुर जिला हमारे यहाँ सबसे अच्छा खेती होता है जी। दूसरा है सिवनी जिले का, वहाँ मक्के की फसल बहुत अच्छी होती है और गेहूँ। तो आज इन जिलों का एक कंपेरिजन में मंडला के लोग, चूंकि मंडला ट्राइबल क्षेत्र है जी, सिवनी का कुछ हिस्सा ट्राइबल है,
पर पूरा संपूर्ण ट्राइबल जिला मंडला और डिंडोरी जी, डिंडोरी में एकदम वहाँ पर हम वीरान कह सकते हैं, तो इस प्रकार की स्थिति है। पूरा ड्राई एरिया है, मंडला का भी लगभग निवास जो सब डिवीजन है तो पूरा ड्राई है, तो इसमें मंडला का कुछ पार्ट है। तो इस प्रकार के अलग अलग हिस्से में जो खेती का जो अनुभव मैंने किया, वहाँ लोगों से मैं जाता हूँ, वहाँ खेत में लोगों को कहता भी हूँ कि आज की जो परिवेश में जिस प्रकार के आय को बढ़ाने के लिए अलग अलग स्तरों पे मैं उनके सेमिनार है, संगोष्ठी है, मैंने अलग अलग कृषि विज्ञान केंद्रों में भी किसानों के साथ में संगोष्ठियों में जाता हूँ। एक बार मैं स्वयं में एक संगोष्ठी में बाहर में गया, उस समय किसान होने के नाते मैंने 7 दिन तक किसान का प्रशिक्षण मैंने खुद किया, और इस नाते हार्टिकल्चर में भी देखा एक संभावना, ड्राई एरिया होने के कारण हार्टिकल्चर की एक संभावना वहाँ है, तो उसको बढ़ाने के लिए फिर मैं लोगों को प्रेरित करता हूँ, किसानों को खासतौर से, कि भाई आपकी जितनी ज़मीन है उसमें हार्टिकल्चर में आपका एक ऐसा स्कोप होना चाहिए, लोगों की वहाँ रुझान होना चाहिए, और इस दिशा में आप आगे बढ़ेंगे, और उसमें से जो सपोर्ट चाहिए सरकार की तरफ से, जो मदद हो सकती है, उसको लेकर के मैं उनको प्रेरित करता हूँ। खास तौर से जैसे गोबर गैस का है, ये हमारे गाँव के जो लोग हैं, गोबर गैस तैयार करना, उसके साथ उसकी खाद की तैयारी कराना, जितना उसका गैस का उपयोग करना, क्योंकि अब लोग इसको कम देखते हैं, पर मैंने वो भी उपयोग मैंने स्वयं किया है, गोबर गैस का उपयोग भी किया और उससे जो खाद बनाते हैं वो भी जी। तो एक प्रकार के ने खाद का उपयोग भी हमने खेत के अंदर हमने किया है, तो इससे आय बढ़ती है, क्रॉप बढ़ जाता है, तो ये इस प्रकार का उपयोग मैंने लोगों को भी प्रेरित किया, तो काफ़ी लोग इस पर आगे बढ़े हैं, तो खेती के क्षेत्र में तो बहुत अच्छा हमने उस इलाके में किया है। मेरे पिताजी खुद किसान थे तो हमेशा किसानों के बीच में जाते थे जी तो लेकिन आपने शिक्षाविद के तौर पर भी काम किया, आपने कहा कि आपने बहुत प्रारंभिक काल में जब आप राजनीति से सीधे तौर पर नहीं जुड़े थे, सेवा भाव से कार्य कर रहे थे, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आपने स्कूल की शुरुआत की। उसके अलावा क्योंकि आप जो हैं स्टेट ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर भी रहे हैं, उस दौरान क्या आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा पहुंच पाए, शिक्षित हो पाए आदिवासी लोग, उसका प्रयास कितना किया? देखिए मैं स्कूल जब प्रारंभ किया तो मेरे मन में यही कल्पना थी, लगभग मैंने जहां पर विद्यालय नहीं थे जी उन गांवों में विद्यालय मैंने प्रारंभ किया, और ऐसे दूरदराज क्षेत्रों में जहां पर पहुंच बिल्कुल नहीं थी वहां विद्यालय प्रारंभ कराया, लोगों को मैंने जोड़ा उससे, और बहुत नॉमिनल जो गवर्नमेंट की फीस है, मैंने जिस समय विद्यालय प्रारंभ किया जो फीस उस समय गवर्नमेंट की थी, तो लगभग मुझे लगता है 150 या 170 रुपए के आसपास फीस है। आज भी उसमें कोई बढ़ोतरी हमने नहीं किया। अच्छा, गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना और एक छात्रावास 80 बच्चों का हमने प्रारंभ किया, तो इस प्रकार के हर क्षेत्र में मैंने कोशिश किया, और इसलिए जब मैं ट्राइबल विभाग में आया तो हमने रेसिडेंशियल स्कूल की कल्पना हमने किया देश के अंदर और पूरे भारत के अंदर, आवासीय एकलव्य आदर्श विद्यालय की जो कल्पना हुई थी ये हम लोगों ने ही किया, और मैंने उस समय ये अटल जी को जब प्रारंभ में हमने कहा कि इस प्रकार के, क्योंकि हमारे जो बच्चे रहते हैं ट्राइबल क्षेत्रों में उनको रहने का और पढ़ने का ये दोनों फैसिलिटीज हमको देना पड़ेगा, तो आवासीय विद्यालय, उसमें हमने CBSE का पाठ्यक्रम रखा जी, क्योंकि सामान्य तौर से CBSE गांव में नहीं होते, तो हमने CBSE का पाठ्यक्रम, और इस प्रकार की स्थिति आज वो विद्यालय लगभग 30 करोड़ के आसपास का टोटल बजट होता है उसका, तो हमने 100 विद्यालय देश में प्रारंभ किए थे उस समय, बीच में UPA सरकार आने के बाद इसमें एक भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, इस बार मैंने फिर जब हमारी सरकार बनी तो मैंने सरकार को सुझाव दिया मंत्री को, और उसमें से हम आगे बढ़ाए, और मुझे अभी कहते हुए प्रसन्नता है कि अब देश में एक मॉडल के रूप में ये विद्यालय पूरे देश भर में चल रहे हैं। कमाल है। तो ये हमने ट्राइबल के क्षेत्र में भी काम किया जी। अरे वर्तमान मंत्रालय की बात करें, आपने बताया कि स्टील का उत्पादन 300 मिलियन टन तक लाने का जो है एक लक्ष्य रखा गया है, लेकिन देखा गया कि पिछले कुछ बरसों में चीन की चुनौती इस्पात के क्षेत्र में, स्टील के क्षेत्र में लगातार बढ़ रही है, उससे पार पाने के लिए, उस चुनौती से कैसे मुकाबला करें, उसके लिए क्या आपका मंत्रालय या मंत्री के तौर पर
कुछ कदम नहीं उठाए गए हैं? अभी पूरे दुनिया में चाइना के बाद नंबर टू पर भारत है जी, और इसलिए हमने कहा कि आज नंबर टू होने के कारण भारत के अंदर खासतौर से इस्पात के क्षेत्र में और मॉडर्नाइजेशन हमने किया, और मॉडर्नाइजेशन के बाद ये जो हमारा उत्पादन का जो टारगेट था, मैंने देखा कि लगभग इसको 14 के पहले भारत में करीब 96 मिलियन टन उत्पादन होता था जी, और आज हम इसको 110 तक पहुंचा दिए। अच्छा, हाँ, आज जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है और हम इसको और आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये हमारा एक लक्ष्य है और इसको हम 2030 और 31 तक 300 जो मिलियन टन हमारा उत्पादन का जो टारगेट है, ये हमारा इन 10 वर्षों का एक लक्ष्य बनाया है। और इसमें क्वालिटी के विषय को लेकर के हमने इसको प्रायोरिटी दिया है, जो हमारा 100 डेज का कार्यक्रम था तो उसको हमने क्वालिटी और दूसरा उत्पादन और सेफ्टी, क्योंकि अभी तक जितने भी देश के अंदर जो अलग अलग कंपनियां हैं सबकी अलग अलग उनकी अपने सेफ्टी के व्यवसाय थे, कोई इस प्रकार का एक कोई पॉलिसी नहीं थी जी। हमने वो पॉलिसी अडॉप्ट किया और इसलिए पब्लिक डोमेन में भी इसको डाला कि लोगों के सुझाव इस पर आना चाहिए, और अभी हमने उसको इसको नोटिफिकेशन अभी हमने किया है 7 नवंबर इसके लिए एक चिंतन बैठक भी पहली बार शायद इस्पात मंत्रालय के द्वारा कोई चिंतन बैठक का आयोजन किया गया होगा। हाँ, एक चिंतन बैठक हमने किया, उसमें साले जितने भी देश के जो हमारे खासतौर से इस्पात के क्षेत्र में जो उद्योग जिनके पास है, बड़े इंडस्ट्रीज को सामान्य तौर से जो मंझले क्रम के, ऐसे सभी देश भर के लोगों को हमने बुलाया उसमें, और ये पूरा सेमिनार पे उनके सुझाव लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए हमने कहा कि इसमें अभी तक जो कुछ भी परिस्थितियां हैं देश में, जो आवश्यकता है, जितनी ज़रूरत है, हम उस ज़रूरत को हम पूरा करने का हमारा जो टारगेट है और जो रिक्वायरमेंट है उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस समय जो देश में आवश्यकता है उसको हम पूरा करने का एक दृष्टिकोण हमारे मन में है, विचार है। एक हमारे सामने संकट जरूर है कि जैसे समय समय में, इस समय थोड़ा स्टील के बारे में लोगों की धारणा अच्छी नहीं है, परंतु दुनिया की तरह हम देखेंगे तो भारत में आज भी हम तीसरे चौथे स्थान पर हैं जी इस क्षेत्र में मार्केट में। परंतु लोकल भारत के अंदर जब बात करते हैं तो इस विषय को लेकर ये चिंता हमारा है, और निश्चित तौर से हम इससे उभारेंगे देश को, ताकि इस्पात के क्षेत्र में जो ज़रूरतमंद लोग हैं, आज प्रधानमंत्री आवास, हमारे जितने हाईवेज हैं, अन्य तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बढ़ाने के लिए भी एक टारगेट सेट किया है मोदी सरकार टू ने, लेकर तो शायद अपने आप ही जो है इस्पात का उत्पादन वो हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन संयंत्रों की भी स्थापना जो है, नए संयंत्र भी लगाने पड़ेंगे, ये एक सदन के भीतर, लोकसभा के भीतर ये प्रश्न भी आया था कि क्या नए संयंत्र लगाने पर भी मंत्रालय विचार कर रहा है, और अगर विचार कर रहा है कहाँ कहाँ लगेंगे वो संयंत्र, और उससे क्या रोजगार भी बढ़ेगा, क्योंकि रोजगार जनरेट करना भी एक बड़ा लक्ष्य है। देखिए, हम लोगों ने अभी नया संयंत्र जो भी लगाने के, हमारा अभी इस समय तो फिलहाल कोई इस प्रकार का हमने लक्ष्य नहीं बनाया है, परंतु हमारे जो पुराने जितने भी हमारे संयंत्र लगे हैं उनको हम अपग्रेड कर रहे हैं ताकि उत्पादन उस पर बढ़े, नए हमारे कुछ इक्विपमेंट्स लगा रहे हैं नया मॉडर्नाइजेशन के बाद, जैसे हमारे चाहे भिलाई के अंदर का हो, हमारा राउरकेला में, हमारे अलग अलग जितने भी इस प्रकार के हमारा ANL का है, हमारे विशाखापट्टनम का है, वहाँ का भी, तो ये अभी क्योंकि आज की इस बाज़ार की जो परिस्थिति को देखने के बाद है, हमारा उत्पादन करने की हमारी क्षमता बढ़ी है जी, परंतु मार्केट की स्थिति के आधार पर उत्पादन को हम कई कुछ स्थानों में रोकना भी पड़ता है कि इसको हम आखिर में रखेंगे कहाँ, डंप कहाँ करेंगे, तो इस आधार पर जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के आधार पर कुछ जी जी स्थानों को पूरा किया जाता है, ताकि आज पूरे इस क्षेत्र में जितने अभी नए नल जल योजना का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है उसमें भी हमको
स्टील की ज़रूरत पड़ रही है, तो बहुत बड़े स्केल में इसकी ज़रूरत है और निश्चित तौर से हम इस पे और सोच रहे हैं। हमारे घरेलू खपत भी काफ़ी ज़्यादा है अगर इस्पात की खपत की बात करें। समय समाप्त हो रहा है, चलते चलते एक प्रश्न जो मेरे मन के बहुत करीब है, एक मंत्री होने के नाते कितना समय आप अपने संसदीय क्षेत्र को दे पाते हैं और मंत्री होने का लाभ क्या संसदीय क्षेत्र को मिलता है, क्षेत्र के लोगों को मिलता है, क्योंकि अपेक्षा भी बढ़ जाती है लोगों की? क्षेत्र में लगभग महीने में मेरा 2-3 बार जाना होता है। अगर एक दिन का भी समय मिला तो मैं जाता हूं और दूसरे दिन नेक्स्ट डे लौट के आता हूं। पर निरंतर कॉन्स्टेंसी से संपर्क वो बराबर मैं बनाए रखता हूं और इसलिए 4 जिले हैं तो मैं महीने में एक चक्कर पूरे उससे कॉन्स्टेंसी का लगाता हूँ। तो ऐसे 4 जिले हैं तो 4 बार मेरा महीने में जाना होता है। और अगर मैं और भी मेरे पास टाइम है, अन्य जो प्रवास के कार्यक्रम हैं देश में, अन्य कार्यक्रम विभाग के और बाकी चीज़ों को ध्यान में रख कर के, तो अगर उसमें से तो कोशिश हमारी है कि कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बाकी अन्य जो क्षेत्र हैं, अब चूंकि मैं ट्राइबल के अंदर भी काम किया तो ट्राइबल का भी बहुत काम मेरे पास आता है, बाकी ऐसे हेल्थ के कुछ सेमिनार में जाना, कुछ इस प्रकार के कार्यक्रम हैं और ट्राइबल के बहुत सारे हमारे जो अलग अलग विंग हैं उनके साथ में भी काम करना, उसमें भी फिर सामाजिक कार्यक्रम, चूँकि मैं परिषद का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ ऑल इंडिया का, तो वो भी एक मेरे पास काम है। मैं अपने कम्युनिटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते भी काम मेरे पास है, तो हर समाज के संगठनों को भी कुछ ना कुछ समय देना पड़ता है। कोई इस प्रकार का कार्यक्रम आ गया तो 1-2 दिन का समय वो भी देना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है आप जैसे व्यस्त राजनेता और मंत्री के लिए। मैं पूरा टाइम मैं समाज के लिए ही देता हूं, लगभग मैं अगर डेली कहें तो 18 घंटे पूरे आज भी मैं अपने लिए शाम के 4 घंटे छोड़कर 4-5 घंटे तो 18 घंटे काम कर सकें, उसके लिए कुछ आप कोई व्यायाम, कुछ योगा, कुछ सुबह मॉर्निंग वॉक करता हूं सुबह जी डेली एक बार घंटे भर अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से भी समय निकाल। चलिए आपके कार्यों का देश को और समाज को लाभ मिलता रहे और आप स्वस्थ रहें यही कामना करते हैं। आपने समय निकाला लोकसभा टीवी के लिए, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। फगन सिंह कुलस्ते जी केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री हमारे साथ मौजूद थे संवाद में। संवाद में आज के लिए इतना ही, संवाद में आपसे फिर भेंट होगी एक नई शख्सियत के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।